पिछले दिनों अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सरवर चिश्ती साहब की जानिब से जारी वीडियो के बाद बरेली और अजमेर शरीफ के बीच पैदा हुए विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने इस विवाद पर बात की थी, जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी ने आईएमसी प्रमुख को दरगाह शरीफ आने की दावत दी थी। मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे, जहां दरगाह शरीफ पर हाजिरी के बाद दरगाह कमेटी के सदर सरवर चिश्ती और जिम्मेदारान के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, जिसमें मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने कहा कि आपकी जानिब से जो वीडियो और लेटर जारी किया गया है उससे आवाम में बेचैनी है। जिस पर सरवर चिश्ती ने कहा कि बरेली और अजमेर शरीफ के बीच कोई मतभेद नहीं है, इंशाल्लाह कभी हो भी नहीं सकते। साथ ही इस बात पर भी रजामंदी हुई कि आगे मीटिंग में सभी बातों पर चर्चा करेंगे, साथ ही मिलकर सभी खानकाहों को एक साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। जिस बात पर हो रहे विवाद पर सरवर चिश्ती साहब ने कहा कि हर दरगाह का अपना निजाम होता है, रिवायत होती है, उसी के तहत काम अंजाम दिए जाते हैं। जहाँ तक सलाम की बात है तो जिस सलाम को पढ़ने की रिवायत रही है वह पढ़ा जाता है, कुछ लोग दूसरे सलाम पढ़ते हैं तो निज़ाम में फ़र्क आता है। साथ ही जिस सलाम को पढ़ा जाता है उसमें भी कई अशार आला हजरत के लिखे हैं। दरगाह कैंपस में यही सलाम की रिवायत रही है, इसी बात को हमने रखा है। उन्होंने कहा कि इस बात को कुछ लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि बरेली और अजमेर शरीफ के बीच दूरियाँ हैं, तो यह बात गलत है। उन्होंने कहा कि आने वाले जायरीन का इस्तकबाल है, हम दावत देते हैं कि उसमें शिरकत करें। दरगाह कमेटी की तरफ से आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान सहित प्रतिनिधि मंडल की दस्तारबंदी की गई। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि यहां आकर बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हर दरगाह का अपना निजाम होता है, उसमें किसी जायरीन को दखल का हक नहीं। जो लोग फितना खड़ा करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ बरेली से ही एक्शन लिया जाएगा। आज हासिल हुआ, पिछले कुछ दिन से अफवाहों का बाजार गर्म था, इस वजह से यहाँ हाजिरी देना बेहद जरूरी था और अंजुमन के जिम्मेदारान से सदर साहब से सिक्योरिटी साहब से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कुछ फितना पसंद लोग फितने को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और बरेली और कछौजा, बरेली और अजमेर शरीफ को लड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं, मेरा मानना यह है और गुलामाने गरीब नवाज का तमाम का मानना यह है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो गरीब नवाज का बरतने मिन्नत है। तो हर खानकाह का, हर दरगाह का अपना एक निज़ाम होता है, उसके इंतज़ाम में किसी किस्म की मदाखलत जायरीन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी फिरके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी मतलब से ताल्लुक़ रखते हो, यहाँ आएंगे, हाजिरी देंगे और खामोशी से वापस जाएंगे। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने फितना उठाने की कोशिश की कि परचम लगाएंगे और ये करेंगे, जो यहाँ राइज सलाम है, क्योंकि सलाम किसी शख्सियत के लिए नहीं है, सलाम बराह रास्त हुजूर की शान में पढ़ा जाता है। तो सलाम जो पढ़ा जाएगा, जो राइजुल वक्त सलाम है, जो पहले से मुरव्वजा है, वही सलाम पढ़ा जाएगा। बाकी यहाँ का जो निज़ाम है उस निज़ाम के मुताबिक लोगों का अमल करना है, उस निज़ाम के मुताबिक लोगों को यहाँ शिरकत करनी है, किसी किस्म का कोई फितना उठाने की कोशिश ना की जाए। और जिसने बरेली का नाम लेकर इस किस्म का फितना उठाने की कोशिश की उसके खिलाफ इंशाल्लाह सख्त से सख्त कार्रवाई बरेली वाले करेंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।